नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल के लब आजाद है तेरे। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं के बारे में झूठ बोलते रहेंगे, उनका चरित्र हनन करते रहेंगे, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चुपचाप उस तमाशे को देखते रहेंगे। आपकी स्क्रीन पर यह है भाजपा का विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे। यह वो व्यक्ति है जो लोकसभा में खड़े होकर विपक्ष के नेताओं के बारे में झूठ बोलता है, और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के बारे में नहीं, याद कीजिएगा दोस्तों, न्यूज क्लिक के बारे में, मेरे बारे में, पत्रकार रोहिणी सिंह और स्वाति के बारे में इस व्यक्ति ने खुलेआम सदन के अंदर झूठ बोला था। उनके उस बयान को पहले कार्रवाई से हटा दिया गया, मगर उसके बाद फिर से उसे ला दिया गया। यानी कि आप सदन के अंदर खड़े होकर लोगों के बारे में झूठ बोलते रहें, आप पर कोई गाज नहीं गिरेगी। निशिकांत दुबे जानते हैं कि सदन के अंदर वो कोई भी बात कह सकते हैं, उन्हें संरक्षण हासिल है लोकसभा का, वो किसी के बारे में डेफिमेटरी बातें भी कह सकते हैं। और अब उन्होंने ताजा बयान दिया है प्रियंका गांधी वाड्रा पर। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं, वो अंबानी के बेटे की शादी में गई। सरासर झूठ। मैं चाहूंगा कि आप उनका 21 सेकंड का यह बयान सुनिए, झूठ से भरा हुआ। और सबसे दिलचस्प बात, इस इंसान के दिल में दर्द देखिए अंबानी के लिए कितना है। निशिकांत दुबे, इस तरह से चाटुकारिता करने के बावजूद भी आपको मुकेश अंबानी के दरबार में जगह नहीं मिलने वाली है। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में क्या कहा निशिकांत दुबे ने। आप क्या चाहते हो कि आप चंदा भी खाओ, आप उनके शादी में भी जाओ और उसके बाद गाली देते रहो, क्योंकि वो डिफेंड करने वाले नहीं है। तो आप जो है ये काम करो। इस देश का कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो अंबानी के शादी में नहीं गया? कौन ऐसा आदमी है? इनके पार्टी के जो महासचिव है प्रियंका गांधी, क्या वो शादी में नहीं गई? क्या बात कर रहे हो आप? जैसे मैंने बताया दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब निशिकांत दुबे ने सदन के अंदर खड़े होकर इस तरह से गलत बयानी की हो। याद कीजिएगा मेरे बारे में, न्यूज क्लिक के बारे में, रोहिणी और स्वाति जो पत्रकार हैं उनके बारे में इस व्यक्ति ने झूठ बोला था। यह वो व्यक्ति है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी का पहला स्पीकर रहता है हर डिबेट में। इससे यह पता चलता है वो भारतीय जनता पार्टी जहां एक जमाने में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता हुआ करते थे, अब उनके पास निशिकांत दुबे जैसे व्यक्ति हैं। मगर सबसे बड़ी बात, क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपत्ति जतलाई? प्रियंका गांधी वाड्रा तो सदन का हिस्सा भी नहीं है। मगर जब विपक्ष किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेती है जो सदन का हिस्सा नहीं है, तब ओम बिरला साहब को बहुत तकलीफ होती है। जैसे ही यह मामला सामने आता है, कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल खड़े हो जाते हैं, और न सिर्फ वो, एनसीपी शरद पवार फैक्शन की सुप्रिया सुले भी खड़ी हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ये लोग हमारा चरित्र हनन करते हैं, हमारे खिलाफ झूठ बोलते हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा तो मौजूद ही नहीं थी अंबानी की शादी में, मगर यह व्यक्ति लगातार झूठ बोलता रहता है। सुनिए उसके बाद सदन में क्या बवाल हुआ। ओके Mike sir, yes. Sir, every time Honorable Chair allowed Nishikant Dubey to speak, whenever he spoke in the house, he spoke only lies only. Last day he spoke about Priyanka Gandhi ji, not was a member of this house. आपके माननीय सदस्य ने कहा, sir, one minute sir, Priyanka Gandhi ji not a member of this house. He told in this house that Priyanka Gandhi ji attended the Ambani's marriage, which is totally wrong, sir. Which is totally wrong. Oh. Yeah, every time he is telling this galat baat. Okay. You are allowing that. Okay. No. Aap. Okay. Please. आप कंक्लूड कीजिए। सर, आई वुड लाइक ऑन बिहाफ ऑफ माई कॉलीग्स पुट इट ऑन रिकॉर्ड दैट शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस हाउस, बट एट अ पर्सनल लेवल शी इज अ वुमन
and nobody should talk about a lady A who's not a part of this house. B, she has not attended, okay, and there is nothing wrong in attending even if somebody did. कोई चोरी नहीं है उसमें. जिस शादी में प्रधानमंत्री जा सकते हैं उसमें क्या दिक्कत है किसी और को जाने के लिए? So it's not fair to say bring somebody's wedding in it. Sir, it's not fair. Sir, it's not fair. She's not a member. Sir, she's not a member of this house. And she did not attend. Let's go by factuals. There's nothing wrong in attending a wedding officially. What is wrong in attending? But let's not do a fake narrative. Okay, the okay. problem with the BJP is they do fake narrative and malign people. They have maligned my family as the way they have maligned hundreds of other family. Have they ever thought what our families go through? जब लोगों को झूठ झूठ अरेस्ट करते कभी सोचा है उसकी बीवी क्या सोचती है उसकी माँ क्या सोचती है उसके बच्चे क्या सोच रहे? They are only doing this just to be in power for their selfish needs. So they should be fair. I remember Amit Shahji's statement. I'm saying this last Amit Shahji's statement. I'd like to quote the honorable Amit Shahji. He said, जब आप एक उंगली सामने दिखाते हो तो तीन उंगलियां खुद पे. बीजेपी विद फुल ह्यूमिलिटी आई कोट अमित शाह जी ओनली कि जब एक उंगली हम पारी तरफ दिखाते हैं तो तीन आपकी तरफ है. दैट्स ऑल आई से. और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है. कांग्रेस ने इस पर करारा प्रहार किया है. आप जानते हैं जब भी हमला राहुल और प्रियंका पर होता है कांग्रेस जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती है. किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने आड़े हाथों लिया निशिकांत दुबे के झूठ को, आइए देखते हैं. भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे को झूठ बोलने की लत है, वो इस बीमारी का शिकार है. आज उन्होंने संसद में एक बहुत बड़ा झूठ बोला जब उन्होंने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी अंबानी विवाह में शामिल हुई थी. ये सरासर झूठ है, ये कतई झूठ है, ये गलत है. वो इस विवाह में शामिल नहीं हुई थी और असलियत तो यह है कि वो इस समय देश में भी नहीं थी. और वो कहां थी ये आपके गृहमंत्री अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि उनको सबकी जानकारी रखने की पुरानी और गंदी आदत जो है. असलियत यह है कि फर्जी मुकदमा आपके ऊपर डिग्री का चल रहा था और आप लगातार झूठ बोलते हैं संसद में. एक और बात है, प्रियंका गांधी जी अभी तक लोकसभा की सदस्य नहीं है तो उनका नाम लेना प्रिविलेज का भी मामला बनता है. लेकिन मैं हतप्रभ हूं कि सभापति महोदय को वैसे तो अंबानी अडानी का कोई नाम ले ले ऑपोजिशन से बड़ी आफत मच जाती है. यहां पे अंबानी विवाह की बात क्यों हो रही है और क्यों एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है जो लोकसभा की सदस्य नहीं है प्रियंका गांधी जी का? तो मैं कहना चाहती हूं कि निशिकांत दुबे ये गंदी बुरी आदतें छोड़ दीजिए, संसद में झूठ बोलना छोड़ दीजिए. कब तक फैक्ट चेक होते रहेगा? इतनी गली छरकतें क्यों करते हैं आप? प्रियंका गांधी जी अंबानी विवाह में शामिल नहीं हुई थी और ये झूठ आपने संसद में उनका नाम लेकर बोला है. कान पकड़ के माफी मांगिए लेकिन प्रिविलेज का मामला तो आपके खिलाफ बनता ही है. मगर यहां मुद्दा सिर्फ एक विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे का नहीं है दोस्तों. मुद्दा यह कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस तरह से दोहरे मापदंड क्यों दिखाते हैं. मैं नहीं भूला हूं जब इस व्यक्ति ने मेरे रोहिणी और स्वाति के बारे में झूठ बोला था, तब उसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया था मगर फिर रहस्यमय तरीके से उसे वापस ला दिया गया. जबकि ना मैं ना रोहिणी ना स्वाति और ना न्यूज क्लिक लोकसभा का हिस्सा है, तो फिर इस तरह की इजाजत ओम बिरला ने क्यों दी? ओम बिरला साहब की लगातार आलोचना होती रहती है उनके दोहरे मापदंड को लेकर. याद कीजिएगा दोस्तों किस तरह से जब टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने नोटबंदी का जिक्र किया था तब इन्होंने कहा था यह तो बहुत पुरानी बात हो गई. यही नहीं भाजपा के नेता नेहरू ममता बैनर्जी सब पर हमला बोलते रहते हैं मगर ओम बिरला साहब कुछ नहीं कहते. याद कीजिएगा किस तरह से अभिषेक बैनर्जी ने उन्हें एक्सपोज किया था. देखिए वो लम्हा. सर शॉकिंगली काउंटरफीट नोट्स इंक्रीज बाय 10.7% इन 22 विथ फेक 500 रुपीज नोट राइजिंग टू 101.93% एंड 2000 रुपीज नोट बाय 54%. सैडली 130 फेलो इंडियंस लॉस्ट देयर लाइव्स due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. Manne T for please. Tragedy. Manne sadashya, sir, T for tragedy. Manne sadashya, aap vartaman budget pe bolein, 2016 ke baad to 2019 nahi. Sir, main... Sir, Jawaharlal Nehru ka baat ho log bolega. Sir, Jawaharlal Nehru.
कोई साठ साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं पांच साल पहले का डिमोनिटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनिटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे? वाह वाह सर वाह, बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी। और यही नहीं, जब अंबानी और अडानी का जिक्र आया था, जब अजीत डोभाल का जिक्र आया था, तब ओम बिरला साहब ने सदन की मर्यादा का जिक्र किया था। तब याद है ना आपको राहुल गांधी ने किस तरह से जवाब दिया था कि अंबानी और अडानी की जगह क्या A1 और A2 कहूं? वो नजारा आप नहीं भूले होंगे, फिर से देखिए। इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर? नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर? A1 A2 मान्य। भाजपा के नेता खुलकर सदन के अंदर झूठ बोलते हैं, यहां तक कि गाली गलौज भी करते हैं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। रमेश विधोड़ी याद है आपको, पूर्व सांसद रमेश विधोड़ी? इस व्यक्ति ने दानिश अली जो कि पूर्व सांसद हैं उनके बारे में न जाने क्या क्या कहा था, मगर क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोई कार्रवाई की? हर गुजरते दिन के साथ ओम बिरला साहब का एक एक कथन विवादास्पद होता जा रहा है। आपको याद होगा राहुल गांधी पर उन्होंने यह ताना दिया था कि भाई सदन के अंदर सिर्फ सांसद ही बोल सकते हैं, आपने किसानों को बुलाया जो सदन के नियमों के खिलाफ था। आपको याद होगा किसान जब मिलने आ रहे थे राहुल गांधी को तो पहले तो इजाजत नहीं दी गई, जी हां इजाजत ही नहीं दी गई, और फिर ओम बिरला साहब कहते हैं कि सदन के अंदर सिर्फ सांसद बोलेंगे, किसान नहीं बोलेंगे। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा सदन और सदन के बाहर अभिनेता और अभिनेत्रियां भी आई थी, जी हां तमन्ना भाटिया से लेकर भूमि पेडनेकर से लेकर दिव्या दत्ता और कंगना रनावत, जब वो सदन का हिस्सा नहीं थी, जब वो लोकसभा का हिस्सा नहीं थी, बतौर अभिनेत्री वो आई थी और उन्होंने बात की थी। यहां पर साफ तौर पर ओम बिरला साहब के दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। शॉकिंग कुछ और भी है दोस्तों जो आप कांग्रेस उठा रही है। आपके सामने ये बयान लोकसभा अध्यक्ष का, यहां पर ओम बिरला साहब ने सांसदों से कहा है कि संसद के बाहर प्रदर्शन ना करें, दरवाजों के बाहर प्रदर्शन ना करें, संसद के दरवाजों के बाहर प्रदर्शन ना करें। देश जब से आजाद हुआ है सांसदों ने यह प्रदर्शन किया है, आज से नहीं कई सालों से, 2014 के बाद यह देश बदल नहीं जाएगा। संसद के बाहर, संसद के द्वार पर, संसद के द्वार के बाहर सांसदों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, मगर लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो ये अधिकार उनसे छीन लेना चाहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी के नेताओं की ज्यादतियों, उनके झूठ, उनकी गलत बयानी, उनके डेफेमेटरी बयानों पर खामोश रहते हैं। आखिर क्यों? कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा का बयान आपकी स्क्रीन पर, वो कहते हैं संसदीय लोकतंत्र है या तानाशाही, संसद के भीतर विरोध नहीं, संसद के परिसर में विरोध नहीं, संसद के बाहर विरोध नहीं। बात तो सही है ना दोस्तों, राहुल गांधी अडानी पर भाषण देते हैं उसे 19 जगह से नोच दिया जाता है। राहुल गांधी जब यह कहते हैं कि हिंदू हिंसक नहीं है, और जब वो हिंसक शब्द का इस्तेमाल बीजेपी आरएसएस के लिए करते हैं तो उस बयान को ही हटा दिया जाता है, विपक्ष के सांसदों के माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। जी हां, जब विपक्ष का कोई नेता बड़ी बात कह रहा होता है तो कैमरा सिर्फ ओम बिरला पर होता है। याद कीजिएगा कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था जब केसी वेणुगोपाल निशिकांत दुबे के झूठ का पर्दाफाश कर रहे थे, तब कैमरा लगातार ओम बिरला साहब पर था। सदन के अंदर यह होता है, और फिर ओम बिरला साहब कहते हैं कि सदन के द्वार पर या सदन के द्वार के बाहर प्रदर्शन ना करें। आप लोकतंत्र को इस तरह से रौंद देना चाहते हैं? एक तरफा रवैया आपका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, वरना बताइए ना,
निशिकांत दुबे के झूठ पर आप लगातार खामोश क्यों रहते हैं मिस्टर ओम बिरला? यह सवाल उठाया जाएगा, इससे आप बच नहीं सकते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।